हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगिड और इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं अबाउट मी कि लास्ट 5 ईयर से मैं एसएससी बैंक एंड रेलवे के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग टीच कर रहा हूं और एसएससी सीजीएल मेंस में मेरा 3x180+ स्कोर है और ये एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक भी आपको, ये एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये परसेंटेज पे बेस्ड है और परसेंटेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी में हर एक एग्ज़ाम के लिए कोर्स मिलता है। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अनअकैडमी पर कोर्स मिलेगा और अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स आपको एजुकेट करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम को टैकल करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से जल्दी लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज हैं उनका प्राइस 20% से हाइक होने वाला है। तो अभी अगर आप लेते हो तो आपको पुराने प्राइस पे ही अनअकैडमी के सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे और इसमें अगर आप हमारा ये कूपन कोड यूज़ करिएगा एग्ज़ाम क्लस्टर 10, तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये जल्दी कीजिए, ये क्योंकि ये 1 अप्रैल से ये प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आपको लेना है कोर्स अनअकैडमी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि फिर जब प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो और अनअकैडमी का कोर्स भी लेना चाहते हो तो 1 अप्रैल से पहले ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे प्राइस पे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और एक होता है एसपी, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए, क्रय मूल्य जो होता है ना, वो ऑलवेज अपने आप में 100% होता है, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जितने में आपने खरीदी वह क्रय मूल्य है, और अगर उसको आप जितने में आपने खरीदी उससे ज्यादा में बेचते हो तो प्रॉफिट होगा और उससे कम में बेचते हो तो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में ऑलवेज 100% होती है। अब आप ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो वह केस किसका होता है? लाभ का, मतलब प्रॉफिट का। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करो, वह प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा, तो वह लॉस का केस होता है। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। जैसे अगर आपको निकालना है कि लाभ का प्रतिशत, कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा लाभ कितना, मतलब प्रॉफिट करना कितना है, अपॉन क्रय मूल्य, कि लाभ जो है वो किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पर। और हानि पर किस पे हो रही है? किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ जो है वो क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो लाभ क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है, हानि का प्रतिशत, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉस कैलकुलेट करना होगा, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाभ और हानि की जो कैलकुलेशन की जाती है वो ऑलवेज क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें अभी तक आप ये सीख लीजिए और जैसे जैसे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे और अदर टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अ मैन बाय, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हिंदी और बाइलिंगुअल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप क्वेश्चन दोनों में रीड कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, देखो 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी, तो अगर हम ये कहें 12 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपए है, अगर 12 चीजें 12 रुपए में खरीदी तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 रुपया। ये तो समझ में आया होगा आपको, डिवाइड कर दो।
तो यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया, और खरीद कर 1 रुपए 25 पैसे मतलब 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 1.25 रुपीज। तो यह है कॉस्ट प्राइस और यह है सेलिंग प्राइस। तो यहां देखिए प्रॉफिट ही हो रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाभ का प्रतिशत निकालो, तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कितना है अपॉन कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे देखिए 1 रुपए की चीज को आप 1 रुपए 25 पैसे में बेच रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप अगर माइनस करना चाहो तो 1.25 माइनस का 1 मतलब 0.25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट है 0.25, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट, तो बताइए आंसर कितना हुआ 25%। तो कुल मिलाकर 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, कोई इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन देखिए हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। तो आपको बस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जाना है, ट्रिक्स कुछ नहीं होती है। ट्रिक्स जो है, जो ट्रिक्स करता है मैथ्स, देखो आप ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिनके बेसिस पे हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप ऑलवेज ट्रिक्स के पीछे ही जाओगे तो कभी आप पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट इज द की ऑफ सक्सेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप सभी, 1 मिनट वेट अ सेकंड। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, मतलब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हानि जो है विक्रय मूल्य का 20% है। वो ये कह रहा है हानि जो है वह विक्रय मूल्य का 20% है। तो यहां पर देखिए आप क्या करोगे, लॉस जो है सेलिंग प्राइस का 20% है, 20% को हम 20/100 कर लेंगे, 27 टाइम, 25 टाइम, तो लॉस जो है वो विक्रय मूल्य का कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो यहां देखिए लॉस का कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसके बेसिस पे लॉस जो फाइंड किया वो किसके बेसिस पे, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5। नहीं तो आप देखिए सेलिंग प्राइस का इधर डिवाइड कर दो, यहां से लॉस और सेलिंग प्राइस का अनुपात आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1:5। मतलब तुमने कोई चीज 5 रुपए में बेची है और तुम्हें उसमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है, एक तरह से एक चीज है, देखो 5 रुपए में तुमने बेची है और 1 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर तुम कोई चीज 5 रुपए में बेच रहे हो और 1 रुपए का तुम्हें लॉस हो रहा है, इसका मतलब तुमने उसको खरीदी कितने में होगी, 6 रुपए में। अरे 5 में बेच रहे हो और 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब तुमने उसको 6 में खरीदी होगी। तो अगर हमें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि लॉस का परसेंट कितना, तो सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करो, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना आपको 1, कॉस्ट प्राइस कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 50 टाइम और 2 से 3, और 50 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 16 वोल्ट 2/3% आएगा, लेकिन आप इसको यहाँ पर 50/3% भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ या ना, बताइए यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है आपको? आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, जो क्रय मूल्य होता है वो ऑलवेज अपने पास 100% होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब आप 100% से ज्यादा में बेच रहे हो, और अगर आपके पास लॉस हो रहा था इसका मतलब आप 100% से कम में बेच रहे हो। वैसे आप देखो विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सेलिंग प्राइस क्या होती है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, और अपॉन में 100 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या कहा, सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। और यहां से अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हो मान लो, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो यहां से देखो ये SP मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। लेकिन ये फॉर्मूला की नीड उस बच्चे को पड़ती है जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। हम डायरेक्ट कह सकते हैं देखो कि 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, 100% क्रय मूल्य है, 10% की हानि मतलब उसने एक तरह से 90% में बेचा, तो
क्रय मूल्य का 90% मतलब कॉस्ट प्राइस का 90% 72 है। अगर 90% 72 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 72/90, 72/90 के इक्वल होगा। अब उसने क्या बोला, 5% का लाभ प्राप्त करना है। देखो 100% क्रय मूल्य है, 10% हानि पर बेचा मतलब 90% बेचा, 5% लाभ कमाना है मतलब 105% में बेचेंगे, क्योंकि 5% लाभ कमाने के लिए 5% ज्यादा भी तो बेचना पड़ेगा। तो 90% 72 के इक्वल है, तो 1% 72/90 के इक्वल है, तो हमें 5% का लाभ कमाना है मतलब 105%, और 105% किसके बराबर होगा, 72/90 × 105 के, 15 × 90 और 15 × 105 और 6 × 6 = 12, तो 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84। तो बताओ 5% का लाभ कमाने के लिए मुझे उस चीज को कितने में बेचना चाहिए, 84 रुपए में। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? एक बार देखिए यहां तक कोई आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मुझे। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, मतलब एक व्यक्ति भूखंड मतलब एक लैंड वो खरीद रहा है और उसमें 3 जो है मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, और प्रत्येक पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, जिनमें से प्रत्येक मतलब प्रत्येक बिचौलिया 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब देखो अगर उसका पहले प्राइस एक्स होगा, तो मतलब पहला शुरुआत में अगर मान लो वो लैंड मतलब जमीन एक्स रुपीज की है, तो पहला बिचौलिया उस पर 20% लाभ कमाता है, मतलब जिसके पास थी वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, फिर दूसरा वाला फिर उसको 20% लाभ पर बेचता है, और तीसरा वाला फिर उसको 20% लाभ पे बेचता है, और फिर वह उस व्यक्ति के पास आती है और कितने रुपए में आती है, 3,45,600 रुपए में आती है। तो आप देखिए भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य मतलब ये वाला, यह है वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल उसकी रेट क्या थी, ओरिजिनल रेट हमें पता करनी है कि ओरिजिनल रेट क्या थी। देखो इन वास्तविक प्राइस एक्स रुपए थी, 20% का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट का मतलब 120% है बेचा, क्योंकि एक्स अपने आप में 100% है, 20% का लाभ, तो 100 + 20 = 120%, परसेंटेज का साइन हट के डिनोमिनेटर में 100 आ गया। फिर यह इसको 120% में, अब यह अपने आप में 100% बन जाएगा, और फिर इस पर 20% का लाभ, मतलब ये देखो पहले ये 100% था अपने आप में, अब ये 100% हो जाएगा, 20% का लाभ मतलब 120% में ये बेचेगा, फिर ये पूरा अपने आप में 100% हो जाएगा, और फिर 20% का लाभ, तो ये 120% में बेचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 3,45,600 रुपए। तो देखिए 20 × 120 = 2500, 20 × 120 = 2500, 20 × 120 = 2500। और यहां से अगर आप सॉल्व करो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उसकी वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी, 3,45,600 × 5, देन 5 और देन 5 एंड डिवाइडेड बाय 6, 6 और 6। अब देखिए कट कर लीजिए, आप कट जाएगा ये 6 से कट रहा, देखो 6 से 5 बार 30 बचा 4, 6 से 42 बचा 3, 6 × 3 = 36, फिर 6 से कट रहा देखो 6 × 9 = 54 और बचा 3, 6 × 3 = 36, और फिर 6 से कट रहा है 6 से 1600। अब 1600 5 × 5 × 5 = 125, और आप मल्टीप्लाई करोगे 0 0, 16 × 5 = 0 8, 16 × 2 = 32 और 8 × 4 = 16, 16 × 4 = 20। तो बताओ आंसर कितना हुआ, 2 लाख। बताओ उस भूखंड का ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस जो है उस भूखंड का 2 लाख था। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, हाँ या ना? अगर यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यस और नो, बताइए कोई डाउट है यहां तक। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, ये कहना चाह रहा है लाभ, लाभ का प्रतिशत जो है ना उतना ही क्रय मूल्य है रुपए में, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वही कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, आपको देखो उस घड़ी को बेचा कितने में गया, 144 रुपए में, विक्रय मूल्य कितना है, 144 रुपए, विक्रय मूल्य 144 है। तो अब आप ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य आपको 144 दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो लाभ का प्रतिशत है संख्यात्मक रूप से वह किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है।
तो अब आप ध्यान से देख लो, सो करना कैसे, हमें क्या निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑलवेज ध्यान रखना, ट्राई फ्रॉम ऑप्शन, वो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। जैसे पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जैसे है क्रय मूल्य 72 रुपए। ये 72 रुपए क्रय मूल्य, आपको पता है आप सभी को क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जितना क्रय मूल्य है, अगर 72 रुपए क्रय मूल्य है तो लाभ का प्रतिशत भी 72% होगा। 72 अपने आप में 100% है और 72 पर 72 पर 72% का प्रॉफिट, तो ये अपने आप में 100% है और 72% का प्रॉफिट मतलब एक तरह से हम 172% में सेल कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ही सेलिंग प्राइस होगा। अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग 144 के इक्वल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड अगर ट्राई करते हैं, 80 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है, तो 80 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है तो 80% का ही क्या होगा, प्रॉफिट। अब देखिए 80 अपने आप में कितना है, 100% है, और 100 पर 80% मतलब 100% प्लस 80% तो 180% विक्रय मूल्य, तो इसका 80 का 180% निकाल लो, और यहाँ से 18 से 8 बार 18 × 8 144, तो 144, बताओ सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 144। अगर तुम इसको मेथड से करोगे ना तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और वो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो उससे बेटर है देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, एक बार पूछ लीजिए। सो काफी आसान क्वेश्चन था ये, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको कोई डाउट है तो एक बार बता दो मुझे, और अगर नेक्स्ट अगर आप ट्राई करते हो 90 से, क्योंकि 80 से तो आ गया था, 80 करेक्ट आंसर है, 90 से करोगे तो 90 से नहीं आएगा क्योंकि 80 से ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीचा ने कोई वस्तु, इसकी सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब जो उस पर लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, उसके 4/5 पर खरीदी। देखो सूची मूल्य या अंकित मूल्य आपको, अब अंकित मूल्य के 4/5 पे उसने खरीदी, खुद ने कितने में खरीदी, खुद ने खरीदी मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, खुद ने कितने में खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, और जो कॉस्ट प्राइस जो है ना वो सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य का 4/5 है। देखो लिखा हुआ है सूची कोई वस्तु इसके सूची मूल्य के 4/5 पे खरीदी, क्रय मूल्य है इसके सूची मूल्य का 4/5 है। सूची मूल्य का डिवाइड कर देंगे तो एक तरह सीपी और एमपी इन दोनों का रेशियो 4:5, मतलब अगर 5 रुपए की चीज थी उसपे 5 रुपए लिखे हुए थे तो उसने एक तरह से 4 रुपए में खरीद लिया उसको, और फिर इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, मार्क प्राइस से 20% अधिक पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो है ना इससे 5 रुपए से जो है लिखे हुए जो है ना उससे, देखो लिखे हुए 5 थे उसने 4 में खरीद ली, लेकिन जो 5 लिखे हुए ना उससे भी 20% ज्यादा में बेच रही है। तो आप अगर निकालो 5 का 20% अगर आप निकालना चाहो तो 5 का 20% 1 रुपया आया, अब वो 5 और 1 6 में बेच रही है, तो कुल मिलाकर उसने खरीदी 4 में थी, बेच 6 में रही है। आप देखिए बहुत बेसिक है, खुद ने 4 में खरीदा और 6 में बेच रही है, 4 में खरीद कर अगर 6 में बेच रही है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 4 पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 2 टाइम और 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। बताओ सो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। बताओ समझ में आ गया आपको, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, आपको कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट करें, देखिए नेक्स्ट देखिए आप, एक वस्तु ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है, सी डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। देखिए ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर, और सी इसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29 रुपए और 70 पैसे मूल्य दिया हो, मतलब डी ने इसके कितने रुपए चुकाए हैं,
डी ने इसके 29.70 रुपीज चुकाए हैं, तो बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। तो देखो इसकी इनिशियल प्राइस मैं एक्स रुपए मान लेता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एक मिनट वेट। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने इसको एक्स रुपए में खरीदा होगा। अब ए ने 20% लाभ पर बेचा, आप दो तरीके से कर सकते हो, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो 1/5 होती है, तो 5 पर 1 रुपए का लाभ मतलब 6/5 से बेचेगा तो 6/5। फिर बी सी को 10% लाभ पर, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 का मतलब 10 पर 1 का लाभ मतलब 11/10 में बेचा। और सी ने डी को 12.5% लाभ पर, 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, और 8 पर 1 का प्रॉफिट तो ये 9/8 में सेल कर रहा है, और टोटल जो है डी इसके लिए कितना पे कर रहा है 29.70। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी, इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29.70 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो अगर आप पॉइंट आओगे, पॉइंट के बाद दो जीरो हैं, तो टू डिजिट है तो टू जीरो आ जाएंगे, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 9 से कट कर लो, 9 से 1 टाइम, 9 से 3 टाइम 27, 9 से 3 टाइम, फिर 11 से कट कर लो, 11 से 3 टाइम, तो कुल मिला के 3 से फिर 2 टाइम्स, और 2 से ये 4 टाइम, तो 5 × 4 20। तो बताओ ए ने उसको कितने में खरीदा होगा, ए ने उसको 20 रुपए में खरीदा होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, सो आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करें, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिए, यदि 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, मतलब एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है ना, पुस्तक का क्रय मूल्य 150 से 300 के बीच में, मतलब 150 से ज्यादा और 300 से कम, 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक, 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई की पुस्तक 250 से, इसमें देखो 150 भी हो सकता है, आप 150 भी ले सकते हो, 150 से 300 तक पूरा बोल रहा है ये, ए बुक बॉट एट प्राइस फ्रॉम 150 to 300 आर, मतलब आप देखो 150 to 300 मतलब ये इंक्लूडेड है, 150 और 300 भी इंक्लूडेड है, और खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 रुपए के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो यहाँ पर पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस है वो 250 के बराबर या 250 से अधिक और 350 के बराबर या 350 से कम होगी। तो अधिकतम प्रॉफिट कब, अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा, 15 पुस्तकों पर अधिकतम प्रॉफिट, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो तभी होता है जब आप कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे कम 150 में खरीदो और सबसे ज्यादा 350 में बेचो, यही चीज हुई ना, सबसे कम मतलब कॉस्ट प्राइस एक तरह से 150 रख लो और सेलिंग प्राइस एक तरह से आप 350 रख लो, जितना कम में खरीदोगे और जितना ज्यादा में आप बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो 150 में खरीद कर अगर आप 350 में बेच रहे हो तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 200 रुपए का, तो एक पर 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 पे कितना होगा 15 × 200 और 15 × 200 मतलब कितने का प्रॉफिट होगा 3000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक पर 200 रुपए का तो 15 पे 3000 का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर है यहां तक, एक बार बता दीजिए आप सभी कि आप सभी को क्लियर है या नहीं है। ओके, गॉट इट, यहां तक कोई डाउट। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर करने हैं आपको, मैं ये क्वेश्चन अभी जो क्लास वन है जैसे अकॉर्डिंग मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया, तो पहले मैंने बेसिक्स पढ़ाए कुछ, फिर आपको एडवांस क्वेश्चन कराए, तो उसी अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनिशियल में हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। और ये एक ही टाइप के, मैं इस क्लास में आपको 1, 2, 3 टोटल 3 टाइप्स कवर करवा दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी करी, बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी करी, बिक्री मूल्य मतलब पहले जो सेलिंग प्राइस है और अब जो सेलिंग प्राइस है, तो अब वाला सेलिंग प्राइस पहले वाले सेलिंग प्राइस से 12 रुपए कम है, कितने रुपए कम है 12 रुपए कम है। तो किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ
2.5% हानि में बदल गया। मतलब पहले उसको 5% प्रॉफिट हो रहा था, अब वो 2.5% लॉस में बदल गया। ऑब्वियसली बात है, जब आप सेलिंग प्राइस को कम करोगे तो जो पहले प्रॉफिट था वो अब लॉस हो गया, मतलब पहले जो 5% प्रॉफिट हो रहा था अब 2.5% लॉस हो गया। तो ये कह रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आपको निकालना है लागत मूल्य। और आप सभी को पता है लागत मूल्य कितना परसेंट होता है, लागत मूल्य 100% होता है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 100% क्रय मूल्य है, अगर आप पहले 5% लाभ पर बेच रहे थे इसका मतलब आप 105% में बेच रहे थे, फिर 2.5% का लॉस हुआ कब, 12 रुपए कम करने पर, किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो 100% पर 2.5% का लॉस, मतलब आप उसको एक तरह से 97.5% में सेल कर रहे थे। कितने में सेल कर रहे थे, 97.5% में सेल कर रहे थे। ओके, पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा था और अब क्या हो रहा है, 2.5% का लॉस हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए कितना परसेंटेज कम हुआ, 105% से 97.5% आप निकालोगे तो 7.5% कमी हुई। और ये 7.5% किसके कारण हुई, 12 रुपए के कारण। तो 7.5% 12 रुपए के बराबर है, तो यहाँ से 1% किसके बराबर है, 12/7.5। 1% 12/7.5, हमें लागत मूल्य निकालना है 100%, तो 1% बराबर इतना है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 75, 25 चौक 100, और 3 से 40, और 40 चौक 160। बताओ लागत मूल्य कितना है, 160 रुपए। 160 रुपए मतलब 160 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हो। देखो पहले 5% प्रॉफिट था, फिर 2.5% लॉस है, तो जब एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस है तो आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर लो, 5% और 2.5%, टोटल 7.5%, और 7.5% किसके बराबर है, 12 रुपए की। अगर पहले भी 5% प्रॉफिट होता फिर बाद में भी 2.5% प्रॉफिट होता, तो जब दोनों बार प्रॉफिट हो या दोनों बार लॉस हो तो आप उनको माइनस कर लेना। जैसे पहले 5% प्रॉफिट था फिर 2.5% प्रॉफिट, तो 5% और 2.5% का अंतर 2.5% आता, 2.5% बराबर 12 होता। लेकिन पहले 5% प्रॉफिट था फिर 2.5% लॉस हुआ, तो कुल कितना अंतर हुआ, 7.5% का। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके, आप जरूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, इनमें से 38 टूट गए। देखो 200 अंडे उसने खरीदे, 200 अंडे खरीदे और उसमें से 38 अंडे टूट गए। 200 अंडों में से 38 अंडे अगर टूट गए तो आपके पास कितने बचे, 162 अंडे बचे। हाँ या ना, शेष अंडे उसने 4 रुपए और 80 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेचा। शेष अंडे 162 अंडे हैं। अब एक देखो 200 अंडों में से 38 अंडे टूट गए और शेष बचे हुए अंडे को 4 रुपए 80 पैसे प्रति दर्जन, का मतलब 12 अंडे 4 रुपए 80 पैसे में बेच रहा है, तो बताओ एक अंडा उसने कितने में बेचा होगा, 4 रुपए 80 पैसे / 12। तो यहाँ 162 अंडे को कितने में बेचा होगा, तो हम ये, मतलब यहाँ पर उस आदमी ने सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य कितना, तो 162 को 4 रुपए 80 पैसे / 12। आप सॉल्व करो तो पॉइंट आओ तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 2 8, 4 6 24 का 4 2, 4 1 4 2 6 और अपॉन 10, तो ये 64.8 जो है इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और इस प्रकार उसको 8% का अभिलाभ हुआ। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 64.8 है, उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब ये पूछ रहा है उसका निवेश कितना था। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है आप डायरेक्ट कर सकते हो आराम से। देखो आप सभी को पता है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100%। अगर मैं 8% प्रॉफिट में बेच रहा हूं तो वो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, एक तरह से 108%। तो आप ये कह सकते हो कि 108% जो है वो 64.8 के बराबर है, क्योंकि 64.8 64.8 में सेल करने पर आपको 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप 108% में सेल कर रहे हो। 108% इज इक्वल टू इतना है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 64.8/108। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो 100% निकालने के लिए 64.8/108 को
हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, पॉइंट आया नहीं तो 10, 0 से 0 कट गया। अब यहां से आप कट करना चाहो तो कट कर लीजिए, 12 से कट रहा है, 12 से 9 बार कट रहा है, और ये 12 से 5 बार बचा कितना, 4 और 12 चौक 48, और 9 से कितनी बार, 6 बार, और 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बताओ उसने कितना रुपए निवेश किया, 60 रुपए। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो जब आपको 8% प्रॉफिट हो रहा है तो 8% को आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो 2/25, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस जो है 25 और 2 27 हो जाएगी, है ना। 25 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 27 रुपए सेलिंग, 25 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 27 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब आपको ये 64.8 सेलिंग प्राइस गिवन है, 64.8 कॉस्ट प्राइस निकालनी, एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 × 64.8 = 27 × x, 27 का डिवाइड करेंगे तो 25 × 64.8 / 27। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कट जाएगा, देखो 27 से 2 बार 54, रिमाइंडर 10, 27 × 108, और इसको गुणा कर लीजिए, 25 × 100 का 0 10, 25 × 50 और 60, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 60.0। तो आंसर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, हाँ या ना, एक बार आप मुझे बता दीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 किलो आलू 63 रुपए के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। देखो 12 किलो आलू 63 रुपए में 63 रुपए में बेचने पर उसको 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि 50 किलो आलू 247.50 रुपए में बेचे हैं तो उसको कितना लाभ या हानि होगी। देखो इसको करने का बहुत ऐसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि जब आपको रुपए भी दिए और क्वांटिटी भी दी हुई और साथ में परसेंटेज भी दिया हुआ, आप इसमें प्रपोर्शन लगाना, जैसे ए प्रपोर्शन, ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी, मतलब ए अनुपात बी, मतलब ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, 12 किलो 63 रुपए में, बताओ 1 किलो कितने का होगा, 63/12 का, क्योंकि टोटल रुपए में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो 1 किलो का पता चल जाएगा। 63 रुपए में 12 किलो, तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, 63/12, तो 5% का लाभ हो रहा, मतलब 105% में आप उसको बेच रहे हो। अब ये बोल रहा है 247.50 में 50 किलो बेचे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो, तो इसकी जगह हम एक्स लिख लेंगे। तो यहां पर देखो मैंने 1 किलो का मूल्य लिखा और यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखा, तो फिर यहाँ भी मैं 1 किलो का मूल्य लिखूंगा और यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखूंगा। 63 रुपए में 12 किलो बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, तो 247.50 में 50 किलो बेचूंगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसकी जगह एक्स लिख लूंगा। अब सिंपल सा लॉजिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 63/12 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 247.50 अपॉन का 50। x की वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो x की वैल्यू निकालनी तो 105 × 247.50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 63। पॉइंट आया, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, 20, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा देखो यहां से आप अगर सॉल्व करो आगे, तो अगर आप सॉल्व करना चाहो जैसे 5 से काट, 25 से काट सकते हो, शायद 25 से कट रहा है, 25 से 9 बार, 25 नाम की 225 बचा 22, 25 नाम की 225 और 25 × 50, ऐसे 5 से 2, 5 से 1 और 5 से 4 बार, और 4 से 3 बार, और 3 से 3 से कितना बार कट जाएगा, देखो 3 से 2 बार, 3 से 1 बार, और 21 से 21, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, 99। तो बताओ यहां 99 कब आएगा, 99% है एक तरह से, क्योंकि यहां पर 105% था, तो 99% मतलब 247 रुपए 50 पैसे में 50 किलो बेचने पर एक तरह से वो 99% में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप बैंक की बात करें, चाहे आप रेलवे की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात करें, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ, यस, ये क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। यस और नो,
बताओ क्लियर है यहां तक कोई डाउट? एक बार बता दीजिए यहां तक, अगर आपको कोई डाउट लगे तो एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब कमेंट करके बता सकते हो। एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूं, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, अज्यूम करके कर लो, बहुत बेटर रहेगा। समझ रहे हो? आप ये मान लो कि 100 रुपए में एक तरह से 100 मीटर कपड़ा आपने खरीदा, तो 100 रुपए में 100 मीटर मतलब 1 रुपए में आपने 1 मीटर खरीदा, तो ये एक तरह से कॉस्ट प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इसने क्या बोला, आधे कपड़े 40% लाभ पर, 100 रुपए टोटल 100 रुपए हैं, आधे कपड़े 50 रुपए के हो जाएंगे, बचे आधे कपड़े 50 रुपए। अब ये 50 रुपए क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन उसने 40% लाभ पर बेचा, और 50 पर 40% लाभ, 50 का 40% कितना होता है 20, और 50 प्लस 20 उसने एक तरह से 70 रुपए में बेचा। शेष के आधे, शेष कितना है 50, उसका आधा कितना हो गया 25, और फिर 25। तो अब जो शेष के आधे 40% हानि पर, इस 25 पर 40% का हानि हो रही है, और अगर आप 25 का 40% निकालोगे तो 10 आएगा। आप निकाल लीजिए 25 का 40%, अगर आप निकालोगे तो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5, 5 दुनी 10, तो 25, देखो जो शेष है उसका आधा 25 रुपए, उस पर 40% हानि, तो 25 पर 10 की हानि, 25 पर 10 की हानि मतलब 15 में बेचा उसने, और शेष को लागत मूल्य मतलब 25 रुपए का, तो 25 में बेच दिया। तो आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी, एक मिनट देखिए, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, आप देखिए सेलिंग प्राइस टोटल एक बार बताइए, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 70 रुपए, ये रहे 70, ये रहे 15, ये रहे और 25, ये रहे 25 और 15 40, 40 और 70 110। और डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ 10 का लॉस हो रहा है, और यहाँ 0 का लॉस हो रहा है, 0 का प्रॉफिट या लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना? तो 20 प्रॉफिट 10 लॉस, मतलब कुल मिलाकर 10 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए पर 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, परसेंटेज, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का परसेंट कितने पर, 100 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0, तो कुल मिलाकर 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। हाँ या ना? टोटल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, टोटल 10% का प्रॉफिट हुआ। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, एक मिनट वेट अ सेकेंड। एक मकान की लागत 2005 में x लाख थी, 3 वर्ष बाद मालिक ने उसे भुगतान राशि से 25% अधिक बेचा, परंतु उसे लाभ का 50% कर देना है। देखो भुगतान जो राशि है उससे 25% अधिक बेचा, मतलब एक्स लागत थी, एक्स लाख लागत थी, और उसे 3 वर्ष बाद उसने भुगतान राशि से 25% अधिक पर बेचा। तो अब देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक्स रुपए एक तरह से क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है एक्स रुपए, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 25% मतलब 25% अधिक पर बेचा, मतलब 25% प्रॉफिट पर बेचा। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ उसको, तो प्रॉफिट हुआ एक्स का 25%, और एक्स का 25% मतलब x/4, ये x/4 प्रॉफिट प्रॉफिट है। अगर मुझे ये पूछता कि कितने में बेचा, तो एक्स कॉस्ट प्राइस है, x/4 प्रॉफिट है, तो 4 × x, 4x + x, 5x/4, तो सेलिंग प्राइस 5x/4 हो जाएगी। लेकिन उसने देखो x लाख थी उसकी, और x/4 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने क्या करा, उसे लाभ का 50% टैक्स देना है, तो जो टोटल प्रॉफिट है x/4 उसका 50%, 50% का मतलब आधा आधा टैक्स दे देगा। अगर आधा टैक्स दे देगा
एक्स बाय फोर का अगर आधा टैक्स दे देगा तो आधा तो बचेगा ना प्रॉफिट का, तो एक्स बटा चार, या फिर इसमें ये लिखा हुआ है देखो प्रॉफिट कितना है एक्स बटा चार, उसका 50% प्रॉफिट एक्स बाय फोर उसका 50%, अगर उसका 50% निकालोगे तो वह 50/100 हो जाएगा, 50 से 1 टाइम 50 से 2 टाइम, तो x into 1 x और 4 2 जा 8, तो x by 8 और ये x by 8 क्या आ जाएगा, x by 8 जो है वह टैक्स आ जाएगा, तो उससे कितनी कर राशि देनी होगी, तो आंसर हो जाएगा x by 8, मतलब जो प्रॉफिट है उसका 50% उस भाई साहब को टैक्स पे करना है। ओके समझ गए सभी, हाँ या ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था नहीं, देख नेक्स्ट देखिए। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी की बात करो, चाहे आप बैंक की बात करो, चाहे आप रेलवे की बात करो, हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची, 2500 रुपए में 25 वस्तु उसने बेची तो उसको 10% की हानि हुई, 10% का लॉस हुआ, 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए कि उसको 20% का लाभ हो। तो अब देखिए वही चीज मैंने आपको बताया था, जब आपको टोटल रुपए भी दिए हुए हो, देखो आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक तो टोटल रुपए भी दिए हुए हैं, टोटल चीजें भी दी हुई हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब देखिए ए 2500 रुपए में 25 वस्तु, तो एक वस्तु कितनी हुई, 2500 में 25 का भाग दे दो और 10% का लॉस मतलब 90% बेच रहा है, तो यहाँ वस्तु का मूल्य यहाँ परसेंटेज, तो वापस वस्तु का मिले 2400 रुपए में कितनी बेच रही है, 2400 में एक्स बेच रही है, कितना परसेंट का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, मतलब 120% हो गए। हाँ या ना, तो 2500 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है और 2400 रुपए में एक्स वस्तु बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस यहाँ से तो आप काट ही सकते हो, तो डायरेक्ट 100 बार, अब इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, ये रूल होता है 90 × 2400 / x = 120 × 100। हाँ या ना, बताइए एक बार। So, दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 12 से ये दो बार कट गया और 9 दूनी 18, तो बताओ 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, 18 वस्तुएं। ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिक बताया मैंने आपको, ये करने का बहुत आसान लॉजिक है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, और जितने अच्छे से आप करोगे ना, ये एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक मैंने आपको बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब एग्जाम में तो आता है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके तो आप इसको इसी तरीके से करना, बिल्कुल सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, क्योंकि आपको पता है कि जब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, जैसे ए और बी का जो अनुपात होगा वही सी और डी का अनुपात होगा, ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, और इसमें क्या होता है ये बाह्य जो पद हैं उनका गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, a into d is equal to b into c, a into d is equal to क्या हो जाएगा b into c के इक्वल हो गया, a into d को आप b into c के इक्वल कर सकते। देखिए यहां तक कोई डाउट है, एक बार आप मुझे बता दो अच्छे से कि सर हमें डाउट है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप करने की कोशिश करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो आप ट्राई करें एक बार। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है। देखो तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं, 20 मीटर कपड़ा हमने बेचा और उसमें 4 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य के बराबर हमें अभिलाभ, जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त होता है, अभिलाभ। तो आपको ऐसे क्या करना है, मैं इसकी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस
प्रॉफिट और लॉस अगर विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के इक्वल है, सेलिंग प्राइस के अगर इक्वल है तो सेलिंग प्राइस देखो दिखा हुआ ना 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वाले केस में जो टोटल आप कपड़ा बेच रहे हो या टोटल वस्तुएं बेच रहे हो उसको आप सेलिंग प्राइस मान लेना। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस अगर क्रय मूल्य के बराबर है तो आप टोटल बेची गई वस्तुओं को क्रय मूल्य मान लेना। जैसे यहां देखो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप क्या करना है इस बेची गई वस्तु को सेलिंग प्राइस मान लेना। सिंपल सा लॉजिक, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए मान लिया, तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमें 4 का हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला अगर प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो जो टोटल वस्तु है उसको सेलिंग प्राइस मान लेना, और अगर प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो आप टोटल वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस मान लेना। ओके, तो सेलिंग प्राइस 20, प्रॉफिट 4 है, मतलब 20 रुपए में बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20 में बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपने उसको 16 में खरीदी होगी, क्योंकि 20 में बेच रहे हो 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो 16 में तो खरीदोगे। अब देखिए लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का परसेंटेज, तो आप सभी को पता प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 16 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 4 बार कट जाएगा, 100 में 4 का भाग देंगे तो बड़े प्यार से आंसर कितना आ जाएगा, 25% हो जाएगा। बताओ था आसान या नहीं, टफ था या आसान था, एक बार बता दीजिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य एक्स रुपए है, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा 20x, और 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा 4x, तो 20x में से 4x जो है वह क्या प्रॉफिट है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस एक तरह से 16x ही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य के बराबर है तो बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य मान लेना, प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य के बराबर है तो बेची गई वस्तु को आप क्रय मूल्य मान लेना। सिंपल सा लॉजिक। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो ये कहना चाह रहा है 320 आम का विक्रय मूल्य, ये कहना चाह रहा है 320 आम का विक्रय मूल्य 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ प्रॉफिट ही होगा ना यहां पर, लेकिन इसमें लिखा हुआ है देखो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है हिंदी में अलग लिखा हुआ है, डोंट वरी हम हिंदी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ये लॉस कर रहा है, थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। 320 आम का विक्रय मूल्य 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, 320 आम जितने में बेच रहा है उतने में उसने 400 खरीद दे, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्रय मूल्य का इधर डिवाइड कर दो, इस 320 का इधर डिवाइड कर दो, यहां से आप एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लो, एसपी और सीपी का रेशियो, एसपी कितना 400 और सीपी कितना 320, 0 से 0, और यहां से 8 से 5 बार, 8 से 4 बार, 4 की चीज को 5 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट, और आप देख लीजिए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का, कितने रुपए पर, 4 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसमें डाउट है या नहीं। आप इसी को अगर आप इंग्लिश में करना चाहो, इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन सेल 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, तो वहां ये कह रहा है कि 400 आम का जो सेलिंग प्राइस है वो 320 आम के, 320 आम के, ध्यान से देखिए 320 आम के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, वहां पर अगर देखोगे तो वहां लॉस होगा, क्योंकि जितने में 320 खरीद रहे हैं उतने में 400 बेचेंगे तो लॉस ही तो होगा, और इसका डिवाइड इधर हो जाएगा, तो यहां से अगर आप एसपी और सीपी का रेशियो निकालोगे तो वो 320 अपॉन 400 आ जाएगा,
जीरो से जीरो, 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, मतलब वहां एक तरह से आपने 5 में खरीदा और 4 में बेचा, तो 1 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर, 5 पर, और इंटू 100, तो वहां लॉस होगा, तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 20%। इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है, हिंदी में अलग क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत दोनों सेम ही, बस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई। अब देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु को 625 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 625 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, 625 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 545 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, लेकिन इधर जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो इधर इस लॉस के इक्वल है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको आप कॉस्ट प्राइस क्या मान लो, एक्स मान लो। अब देखिए इधर जो है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब 625 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और इधर 545 में बेच रहे हैं तो लॉस होगा, लॉस का मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट है तो इसका मतलब एसपी माइनस सीपी करोगे, क्योंकि एचपी आधा होगा, और लॉस का मतलब सीपी माइनस एचपी करोगे, तो यहाँ से देखो ये जरा के प्लस हो जाएगा और ये जरा के प्लस हो जाएगा, तो 5 और 5 10, 4 और 6 और 1 7, 6 और 5 11 70 बराबर 2x, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 बार बचा 1, 2 8 16 बचा 1 2 5 10, तो बताओ यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस है वो 585 हो जाएगी। और आप इसको ऐसे नहीं करो तो जब भी अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें जितना प्रॉफिट हो रहा उतना इधर लॉस हो रहा, तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 625 और 545 दोनों को अगर आप जोड़ोगे, 600 और 500 1100 और ये 1170 हो जाएगा, उसको 2 का भाग देंगे तो 585 क्रय मूल्य आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 585। अब ये बोल रहा है उसे किसी मूल्य पर बेचे जाए, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ प्राप्त हो। 585 रुपए क्रय मूल्य है, इस पर 65 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 585 में अगर आप 65 जोड़ोगे तो 5 5 10, 8 से 14 15, तो बताओ हमें उसको कितने में बेचना पड़ेगा, हमें उसको 650 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि लागत मूल्य पर हमें 50% का प्रॉफिट कमाना है। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना, एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर है या नहीं है, एक बार आप अच्छे से बता दीजिए एक बार कि आपको क्लियर है या नहीं। बताइए यहां तक कोई डाउट, किसी भी टाइप का आपको डाउट लग रहा हो तो नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में, दो घड़ियां हैं जिनका लागत मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपात 16:23 है, जरूरी नहीं कि वो 16:23 हो, 16:23 है, 1600 और 2300 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसको 16x मान लेंगे और इसको हम 23x मान लेंगे। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है, पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ रही है, ये अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा देंगे तो 16x पर 10% बढ़ गया तो ये 110% हो गया। दूसरी की लागत 477 रुपए बढ़ जाती है, तो दूसरी की लागत कितनी, 23x और 477 रुपए बढ़ गई, तो 23x में हम 477 जोड़ देंगे, पहली घड़ी की लागत 16x है उस पर 10% बढ़ गया तो 110%, दूसरी घड़ी की लागत 23x है उसमें 470 रुपए बढ़ गए तो 23x प्लस 470। अब दोनों घड़ियों की लागत 11:20 हो गई, तो अब उनकी लागत का अनुपात कितना होगा, 11:20 देखो लिखा हुआ है, उनकी जो लागत है बढ़ने के बाद वो 11:20 के अनुपात में होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 16x इंटू 110% तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 23x प्लस का 470 हो जाएगा बराबर 11/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 16x इंटू 11/10 इंटू 20 बराबर इधर क्या हो जाएगा 11 इंटू 23x प्लस का 470 हो जाएगा। 11 से आप 11 काट सकते हो कि जो बीच में बराबर का साइन है ना, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, ये आपके 11 से 11 डायरेक्ट कट हो जाएगा और एक 0 से 0 भी कट हो जाएगा, तो 16 × 2 = 32x हो गया बराबर ये आपके पास 23x हो गया और प्लस का ये 477 हो गया, तो ये तेरा के माइनस हो जाएगा, 32x में से 23x गया तो बताओ कितना बचा, 9x और 9x बराबर 477 हो जाएगा, 9 का भाग दे देंगे तो x का मान कितना आएगा, 477/9 हो जाएगा,
नौ पंजे 45, बचा 2, 9 3 27, तो बताओ एक्स का मान कितना आ गया 53। अब उसने क्या बोला, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक कीमत कितनी थी, दूसरी घड़ी की प्रारंभिक कीमत 23 एक्स थी। तेईस को 53 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 23 एक्स है ना, तो 23 को आप 53 से मल्टीप्लाई करो, 23 दिया 69 का 9 और ये 6 आ जाएगा, और 23 पंजे 115, 115 और 6 121। दूसरी घड़ी का जो प्रारंभिक लागत है, दूसरी घड़ी की जो प्रारंभिक लागत है ना, वो कितनी हो जाएगी, 1219 रुपए। करेक्ट आंसर बताओ, ये समझ में आया नहीं आया, काफी आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और रेगुलर, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, परसेंटेज पे ही बेस्ड है, कोई नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, परसेंटेज आप ढंग से कर लो तो वहां से आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मोबाइल फोन पी रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ हो रहा है, पी रुपए में बेचा तो 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और यदि क्यू रुपए में बेचा, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस, और क्यू रुपए में बेचा तो एक तरह से 4% की क्या हो रही है, हानि, पी रुपए में बेचा तो 12% का लाभ हो रहा है और क्यू रुपए में बेचा तो 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो क्यू और पी का अनुपात निकालना है। तो अब आप देखिए आप क्या कर सकते हो, जो ये पी जो है ना, ये किसके बराबर होगा, 112%, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस जो है 100% होती है या ना, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आपको पी और क्यू का अनुपात निकालना है, तो पी और क्यू का अनुपात कैसे निकाल सकते हो, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लो, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस को आप एक्स मान लो, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, ये 12, ये जो पी है ना 112% के बराबर है, तो 112% किसके बराबर है, पी के, तो 1% किसके बराबर हुआ, पी बटा 112 के, ये 1% का मान हुआ, यही तो हुआ, और ऐसे ही क्यू किसके बराबर है, 96% के, आप देख लो क्यू किसके बराबर है, 96% के, 96% क्यों, क्योंकि 4% की हानि हो रही है, तो 96%, और 96% जो है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, देखो 96% जो है वो किसके बराबर है, क्यू के, तो 1% किसके बराबर होगा, क्यू बटा 96 के, अगर आप दोनों जगह 1%, ये भी 1% का मान है, ये भी 1% का मान है, तो आप लिख सकते हो P बटा 112 बराबर Q बटा 96, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर लो, तो P अपॉन Q बराबर 112 बटा 96, 16 × 96, 16 × 112, तो यहां से हमारे पास जो है P और Q का अनुपात 7:6 आया, तो Q और P का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:7, और डायरेक्ट करो, ध्यान से देखो क्यू जो है 96% होगा किसका, क्रय मूल्य का, एक तरह से क्यू का मान 96% होगा, और पी जो है क्रय मूल्य का 112% होगा, क्योंकि 96% क्यों होगा, क्योंकि 4% की हानि हो रही है, 112% क्यों होगा, क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 16 × 96, 16 × 112, बताओ इन दोनों का अनुपात कितना हुआ, 6:7 हो जाएगा, बताओ आपको ये समझ में आया नहीं आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन करिए आप, ये हमने इसका पार्ट वन अच्छे से डिस्कस कर लिया, इसी टाइप से हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 6:7 आ गया आपका, और इसी टाइप के क्वेश्चन करते रहें, अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करें, ओके, सो थैंक यू सो मच।